नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सबका स्वागत है। नई दिल्ली में भाजपा त्रिनगर विधानसभा द्वारा चार राज्यों में भाजपा की सरकार बनने पर विजय उत्सव के रूप में भगवा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। शकुरपुर दादा देवता मंदिर में आयोजित भगवा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। भाजपा कार्यकर्ता व नेता होली के गीतों रंग बरसे भीगे चुनर वाले रंग बरसे, यूपी में हम फिर भगवा लहराएंगे जैसे होली के गीतों पर झूमते हुए नजर आए। इस दौरान होली मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिला अध्यक्ष राजकुमार भाटिया सह सभी होली के पर्व की बधाइयां देते हुए कहा कि पुराने कलह विवाद व आपसी रंजिश को मिटाकर नई ऊर्जा और प्रेम का सामंजस्य स्थापित करने का प्रतीक यानी कि होली। यह पर्व लोगों के दिलों में उत्साह और उमंग पैदा करता है। देश के चार राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पुनः सत्ता में वापस आने से खुशी दोगुनी हो गई है। इस मौके पर कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी जिस पर लोग झूमने पर मजबूर हो गए। होली स्पेशल में देखिए आर के जसवाल के साथ जिला अध्यक्ष राजकुमार भाटिया से हुई खास बातचीत। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं भी मौजूद हूँ त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में जहाँ पे भाजपा द्वारा भगवा होली मनाया जा रहा है। सर, भगवा होली, भाजपा तो शुरू से ही भगवा है, हमारे तो रग रग में भगवा है, कतरे कतरे में भगवा है। इस त्योहार में लाल पीले नीले रंग आते थे, इस बार ही चार राज्यों की आतशी जीत के बाद यहाँ की महिला मोर्चे ने फैसला लिया कि पूरे प्रदेश में भगवा होली मनाकर उस जीत का अभिनंदन करेंगे। और उसके साथ साथ हमारे जिन कार्यकर्ताओं ने अपना बहुमूल्य समय उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा के चुनाव में लगाकर जो जीत हासिल किया, आज उनका भी यहाँ पर अभिनंदन है। और इस कार्यक्रम में सारी बहनों ने जुटकर त्रिनगर विधानसभा, आज हमारे जिले में तीन विधानसभाओं में ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं और हम आपको भी होली की बधाई देते हैं और आपसे भी कहते हैं कि ये सफ़ेद और लाल और नीले रंग छोड़ के आप भी भगवामय हो जाए। क्या बधाई दिया सर आज होली के अवसर पर लोगों को? बस मैंने तो एक ही बधाई दी है कि आप देख रहे हैं हमारे सभी साथियों ने भगवा पहना हुआ है, देश वो भगवामय है तो सारे लोग भगवामय हो जाए। जिन लोगों के पास रंग पुराने पड़ गए, जिनके फीके रंग पड़ गए, वो भी भगवा में आके मिले जी सर। मगर आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि भाजपा एमसीडी चुनाव से भाग रहे हैं। हाँ, हम एमसीडी चुनाव की तरफ भाग रहे हैं, हम उसी की तरफ भाग रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव की तिथियों का मोहताज नहीं है, हम हर वक्त चुनाव के मोड में रहते हैं। कोरोना में भी हम उस स्थिति में थे जब लोग अपने घर में क्वारंटाइन थे, हमारे कार्यकर्ता घरों के बाहर थे, हम तब भी चुनाव की स्थिति में थे, आज भी चुनाव की स्थिति में हैं। सर, कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर विपक्ष उंगली उठा रहा है लगातार, क्या कहना चाहेंगे? किसके ऊपर? कश्मीर जो द फाइल फिल्म जो आ रही है। कल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है, फिल्में सदैव से समस्याओं पर बनती है, हल भी देती हैं। अगर किसी को उस फिल्म से समस्या है तो उससे बढ़िया फिल्म बनाए, किसी को वो झूठ लगता है तो सच को सामने लेकर आए। लेकिन उस समय कौन सी सरकारें मौन थी, वो कौन लोग थे जो चुप थे, उनका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे जिला अध्यक्ष राजकुमार भाटिया जी, मिलते किसी और खबरों के साथ, नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ, नमस्कार।